इनको जानते सब कौन है, ये जूते कहा है भाई साहब ने, ये जगदीश जी भाई साहब ने जब तक ये पता नहीं क्यों ले ली, मैं हकीकत बता रहा हूं, बड़ा ताजुब होता है मेरे को कैसे आपने ये शपथ उठाई कब किया आपने। भाई साहब आज आपके हाथ वाले मैं गारंटी से कहता हूँ आपको कि 3 दिसंबर को ये पूरी जनता और आप अपन सब भैया देंगे और गौ माता भी खूब बसेंगे आप देखते ना। और आपका 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया और 3 दिसंबर को सब माता बहने चावल दाल फल के बनाना, दीपक जलाना, फटाखे छोड़ना, साल में दो बार दीपावली मनेगी, हर 3 दिसंबर को भी दीपावली मनेगी। देखो अब अपने को एमएलए बनने के लिए नहीं, कम से कम इन जूतों को मैं मेरे हाथों से पहना दूं, ये कोई छोटी शपथ नहीं थी। हम 1 घंटे भी बिना चप्पल के नहीं रह सकते, 1 घंटे भी। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि इन्होंने ये जयपुर से हर साल पैदल जाते हैं वैष्णो देवी जी के, जयपुर से पैदल जाते हैं वैष्णो देवी जी के, कितनी बात चलेंगे भाई साहब, कितनी बार से वैष्णो देवी पैदल जाते हो ना आप, कितनी बार चले गए, कौन सी बार गए थे वैष्णो देवी जी के जाते हो ना आप, कौन सी बार जाए, ये 7वीं बार जयपुर से पैदल गए वैष्णो देवी जी के। पर अब आप चाहते हो कि नंगे पांव नहीं जाए उनकी बात, तो आप सब लोग निर्णय कर लेना, चांदी की जूतियां पहनाते हैं चांदी की। और दूसरी बात
वहां पे एक ही बात कहूंगा अंत में कि अब जो वोट पड़ेगा, अब जो वोट पड़ेगा, जो मुझे सबसे ज्यादा दुखता है, मैंने पहले भी कहा था कि भगवान ने सब कुछ दे रखा है, मैं ऐसो आराम के लिए नहीं बन रहा हूं, मैं कलम की ताकत के लिए बन रहा हूं। और कलम की ताकत किसके लिए? मेरे पास में फोन आते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल में मेरा भाई कोई तड़पता रहता है और मेरा डॉक्टर फोन नहीं उठाते हैं, मैं बड़ा मायूस होता हूं। बहुत से ऐसे केस होते हैं, उन भाइयों को बचा ही नहीं पाता हूं। तो अब की बार आप जो वोट डालोगे वो आशू सिंह को नहीं डालोगे, आप उन तड़पते हुए भाइयों को डालोगे, और उन भाइयों की तो जान जाती है, उन विधवा माता बहनों के लिए डालोगे और उन अनाथ बच्चों के लिए डालोगे जिनको हम बचा नहीं पाते सिर्फ और सिर्फ कलम के अभाव में। कमर कस लो, तैयार हो जाओ, कहने वाली बातें सब मैंने कह दी और अभी टाइम पड़ा है और कर लेंगे। एक बात आपको कहूंगा, देखो हमारा अनुशासन बहुत जरूरी है। पुलिस अपना काम कर रही है, उनकी सबकी नौकरियां हैं, उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं। हम कोई भी गलत काम करेंगे उनके परिवार के ऊपर आ जाएगी, उनकी नौकरी के ऊपर आ जाएगी। तो एक तो मेरी कसम खा के कहो, कोई भी अनुशासनहीनता नहीं करेगा, मेरी कसम खा के कहो। नहीं करोगे? दूसरा, हम अब देखो, अब हम बीजेपी कार्यालय नहीं चलेंगे, कोई मतलब नहीं है, अपन खड़े हो गए। अब कोई टिकट बदलता है तो बदल देगा, ले लेंगे, नहीं बदलता है तो मेरी टिकट आप जनता हो, मैंने आपके सुपुर्द कर दिया है। और बीजेपी ने तो टिकट दिया एक आदमी को, और मैंने टिकट दे दिया आप सबको, सबके सबके पास में टिकट है, आराम से खेलो। अब आप सुनो मेरी बात, अब हम एक तो कोई भी बीजेपी कार्यालय की तरफ कहीं भी नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, कसम खा के कहो मेरे नहीं जाएंगे, और मेरे कहे अनुसार चलेंगे। अब हम कहीं नहीं जा रहे, कहीं भी नहीं जा रहे, हम सिर्फ यहां से पैदल, सामने गणेश जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, हम गणेश जी के मंदिर में धोख लगा के सब शांति से और अनुशासन से अपने अपने गाड़ियों में बैठेंगे और घर पे रवाना होंगे और कमर कस लेंगे। और मेरे पास, मुझे नहीं लगता हम सब परिवार के सदस्य हैं, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए, आप सब लोग आ गए और आप सबने जो प्रतिज्ञा ली है, भगवान ने चाह तो 30 दिसंबर को हम सब इसको पूरा करेंगे। और आपको बताना चाहता हूं, कि मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर जगह पहुंचूं, हर गांव में पहुंचूं, डाणी में पहुंचूं, कॉलोनियों में पहुंचूं, कोशिश करूंगा। लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाऊं तो उसको दिल पे मत लगाना, क्योंकि समय बहुत कम है और मैं अकेला हूं। नहीं, साथ हो पता है, लेकिन मेरे नहीं, उस मामले में आप सब मेरे साथ हो, लेकिन कहीं भी मैं पहुंचूंगा उस मामले में मेरे को अकेले कोई पहुंचना पड़ेगा, आप लोग तो मिलोगे, मुझे साथ मिलोगे, लेकिन उस बात को दिल पे मत लगाना बिल्कुल भी। कहीं नहीं पहुंच पाऊं तो आप खुद भी आशू सिंह छोटपुरा ही हो ये मान लेना, और ये मान के आप सब लोग काम करना, फिर भी मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा, अपने पास में समय है, मैं आपके पास जरूर पहुंचूंगा। अब महिला शक्ति, सबसे ज्यादा नमन आपको। और एक बात ध्यान रखना, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बना रहे। और मैं ये कहना चाहूंगा, इस जमाने में, इस कलयुग में, जो दिखता है वो बिकता है, जो बोलता है उसकी सुनते हैं, अपने अपने मुंह को अपने को बंद नहीं रखना है। इन नेताओं के किए हुए काले करतूत सारे बताने हैं जनता को, जहां बैठो वहां इनके करतूत बताओ, और आप लोगों के बीच में आए तो अधिकार के साथ पूछना, डरने की जरूरत नहीं कि बताओ क्या क्या काम किए, वोट ले जाओ हमारे से। इस बात को गांठ बांध लेना, दिमाग ठीक कर देंगे।
दिसंबर 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 अब देखो सुनो, अब मेरी बात सुन लो। पहले एक तो दूसरी सड़क की साइड में कोई भी नहीं जाएगा, क्या समझ रहे हो मेरी बात? हम एक ही सड़क पे चलेंगे, कोई भी व्यक्ति दूसरी लाइन में नहीं जाएगा, एक कोई भी एक दूसरे के आगे नहीं भागेगा।